हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक कोट है, वो कहते थे टू सक्सेस इन योर मिशन यू मस्ट हैव ए सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अपने मिशन को सक्सेस करने के लिए, अपने मिशन में सक्सेस पाने के लिए हमें अपने गोल के ऊपर सिंगल माइंडेड डिवोशन यानी कि हमारा फोकस लाना चाहिए। हमें अपने काम में, अपने प्रयत्नों में फोकस्ड रहना चाहिए, तभी हम हमारे गोल में सक्सेस हो सकते हैं। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कंपाउंड और कंबाइंड एंट्री कैसे करते हैं वो सीखा, वो समझा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैड डेब्ट्स, मशीनरी रिलेटेड एंट्रीज एंड अदर एंट्रीज। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि बैड डेब्ट क्या है। बिजनेस में दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश एंड क्रेडिट। अगर आपने अपनी गुड्स कैश पे सेल किए तो कोई बात ही नहीं, पर अगर आपने अपनी गुड्स क्रेडिट पर सेल किए तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने जो क्रेडिट सेल किया है उसमें से पूरी या तो पार्शियल अमाउंट रिकवर नहीं होती, यानी कि वो जो आपका डेटर होता है वो आपको पेमेंट नहीं करता। तब बिजनेस में आपका जो एक तरह का लॉस होता है उसे हम बैड डेब्ट कहते हैं। समझते हैं, इफ एन अमाउंट से ऑफ क्रेडिट सेल इज नॉट रिकवरेबल और इज पार्शियली रिकवरेबल देन द अमाउंट इज नोन एज बैड डेब्ट। जो भी माल आपने क्रेडिट पर बेचा है उसकी जो अमाउंट है आपको रिकवर नहीं होती है तब उसे बैड डेब्ट कहते हैं। इट बीइंग ए लॉस फॉर द बिजनेस, बिजनेस का लॉस है और उसकी एंट्री क्या होती है, इज डेबिटेड टू द बैड डेब्ट अकाउंट। बैड डेब्ट अकाउंट में वो डेबिट होता है, यानी कि इस लॉस को आप स्पेसिफाई कर रहे हैं बैड डेब्ट से। एंड क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेब्टर, पर्सनल अकाउंट जो डेब्टर का होता है उसमें आप उसे क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अब वो आपको नहीं देने वाला ये आपको पता चल गया है, इसीलिए आपके डेब्टर का अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हैं। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जब वेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब हमने क्रेडिट पे गुड्स को सोल्ड किया है तब हमने कैसे एंट्री की होगी ये देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू रमेश रुपीज 10,000, तो यहाँ पे रमेश का अकाउंट हमने डेबिट किया है 10,000 से और सेल्स अकाउंट हमारा जो है वो 10,000 से हमने क्रेडिट किया है। अब ये ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। अब थोड़े दिनों के बाद जब वेन टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स नॉट रिकवरेबल, आपको लगता है कि अब ये आपने रमेश को जो माल बेचा था उसका पेमेंट नहीं आने वाला, तब एंट्री कैसे होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट 10,000 टू रमेश अकाउंट क्रेडिट 10,000। पहली बार जब आपने रमेश का अकाउंट डेबिट किया था अब वो आप उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं और ये जो आपको लॉस हुआ है वो लॉस आप बैड डेब्ट अकाउंट में डाल रहे हैं। अब दूसरी सिचुएशन आती है, व्हेन ए पार्ट ऑफ द अमाउंट इज रिकवर, ये पूरा अमाउंट जो है वो नहीं आता है पर उसका थोड़ा पार्ट आता है, यानी कि पूरा नुकसान भी नहीं होता है, पार्शियल पेमेंट जब मिलता है तब एंट्री कैसे करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने कंपाउंड एंट्री सिखाई थी उसी तरह से यहाँ पे आज हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट, क्योंकि हमको 5,000 रुपीस का पेमेंट मिला है इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट रुपीस 5,000। अब हमारा टोटल अमाउंट 10,000 था, उसमें से 5,000 हमारा रिकवर हो चुका है, तो अब हमारा लॉस 10,000 का ना होते हुए सिर्फ 5,000 का है, इसीलिए बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 5,000 टू रमेश अकाउंट क्रेडिट 10,000। इस तरह से बैड डेब्ट अकाउंट की हम एंट्री करते हैं और इसके बाद जब फाइनल हम हमारा फाइनल ईयर का अकाउंटिंग करते हैं तब इस बैड डेब्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मशीनरी। बिजनेस में जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है वो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स जैसी होती है जो टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाती है। जैसे कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हो,
अगर हम उसमें एक्स्ट्रा कोई ऑटोमेटिक मशीन डालते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम और हमारी क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्रीज होती है, तब क्या होता है, हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है। नॉट फॉर रीसेल लाइक गुड्स, ये जो फिक्स एसेट्स हम परचेज करते हैं ये हम रीसेल नहीं करते। हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो गुड्स को हम परचेज करते हैं क्योंकि हमें बेचना होता है, उसको रीसेल करना होता है। पर यहाँ पे जो एसेट्स होती है उसे हम बेचना नहीं होता है। तो अब इसके रिलेटेड एंट्रीज हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल एंट्री है ये। जब हम परचेज करते हैं, जब कैश से परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर चेक से पेमेंट किया हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज किया हो तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे जो भी फिक्स्ड एसेट्स आपने परचेज की है उसको स्पेसिफाई करना होता है, और जिन सप्लायर के पास से ली होती है उनको भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। अब जब हम फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं तब क्या होता है, अगर हमने केस पे सेल की है और उसकी जो वैल्यू है मशीनरी की, लैंड की या बिल्डिंग की, जो भी आप चीज बेच रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो पूरी वैल्यू अगर आप मिल रही है और कैश में मिल रही है तो आप एंट्री करेंगे कैश और बैंक अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अगर आपने वो चीज वो फिक्स्ड एसेट क्रेडिट पे बेची है तो परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट। अब कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम जो फिक्स्ड एसेट्स बेच रहे सेल कर रहे उसमें हमें का या तो लॉस होता है या तो हमें प्रॉफिट मतलब गेन होता है। तो जब हम सेल करते हैं और हमें लॉस होता है तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट। हाँ, ये कैश पे है तो कैश और बैंक अकाउंट आएगा, और अगर क्रेडिट पे है तो परचेजर्स अकाउंट यहाँ पे आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट डेबिट एंड टू फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट। ये जो हमारी हुई कंबाइंड एंट्री जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। अब अगर ये जो हमारी फिक्स्ड एसेट हम बेचते हैं और हमें गेन होता है तब हमारी एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे फिर एक बार याद दिलाती हूँ कि अगर आपने क्रेडिट पर बेची है तो यहाँ पे कैश बैंक की बजाय आपको परचेजर का अकाउंट लिखना होगा। टू फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि ये हमारी एक तरह का गेन है, इनकम है, इसीलिए वो यहाँ पे क्रेडिट होगी। अब कोई भी फिक्स्ड एसेट्स पर जब हम किसी भी तरह का एक्सपेंस करते हैं तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, उसकी अलग एंट्री नहीं होती। देखते हैं कैसे। एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ एन एसेट एक्सेप्ट गुड्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर द बायर। यहाँ पे कोई भी एसेट की कॉस्ट बढ़ जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, मशीनरी परचेज रुपीज 1 लाख, हमने 1 लाख रुपीज की जो कॉस्ट प्राइस वाली मशीनरी है वो परचेज की है। अब पेड इंस्टॉलेशन चार्ज रुपीज 10,000, उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस हमने 10,000 पे किए, तो यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन चार्जेस को एक्सपेंस काउंट नहीं करते हैं पर उसे मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीनरी रुपीज 1 लाख प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस रुपीज 10,000 इज इक्वल टू 1,10,000। अपनी जो बुक में हम मशीनरी की एंट्री करेंगे वो 1,10,000 की 1,10,000 की अमाउंट पर करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, परचेस्ड बिल्डिंग रुपीज 10 लाख, परचेस्ड ब्रिक सीमेंट एक्सेट्रा रुपीज 1 लाख फॉर रिनोवेशन। हमने एक बिल्डिंग 10 लाख रुपीज में परचेज किया और उसके रिनोवेशन के लिए ब्रिक सीमेंट एक्सेट्रा चीजें हमने 1 लाख रुपीज की और परचेज की। तो अब हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 11 लाख। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी 11 लाख, जो कि 10 लाख और 1 लाख को मिलाकर की गई है, टू कैश और बैंक अकाउंट 11 लाख। यानी कि बिल्डिंग मशीनरी जैसी फिक्स एसेट के ऊपर हम जो भी खर्चा करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होते हैं। सेंड्री एक्सपेंसेस यानी कि अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पे वो एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं जो कि
इरेगुलर होते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट के होते हैं, जिन सबको मिलाकर हम एक ही एंट्री भी कर सकते हैं। इस तरह के एक्सपेंसेस हम सैलरी एक्सपेंसेस में लेते हैं। एक्सपेंसेस सच एज पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट आर इनकर्ड इन अ बिजनेस व्हिच इन्वॉल्व स्मॉल अमाउंट एंड आर ऑफ इरेगुलर नेचर, सो दे आर रिकॉर्डेड एज सैलरी एक्सपेंस। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो स्मॉल अमाउंट के होते हैं और इरेगुलर, मतलब कि बिजनेस में वो रेगुलर नहीं होते, बार बार नहीं होते, इसीलिए उसको सैलरी एक्सपेंसेस माने जाते हैं और उसकी एंट्री होती है सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे जो कैश बैंक दिया है, क्योंकि जनरली इस तरह के एक्सपेंसेस क्रेडिट पर नहीं होते। अब देखते हैं ओपनिंग एंट्री। क्लोजेस अकाउंट्स एट द एंड ऑफ योर अकाउंटिंग पीरियड। कोई भी बिजनेस फॉर्म, कोई भी कंपनी अपने जो अकाउंट्स होते हैं वो हर एक ईयर के बाद या तो जो भी अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड किया गया हो उसके बाद अपने हर एक अकाउंट को क्लोज करती है। नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं उसकी जो बैलेंसेस होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, और जो भी पर्सनल रियल लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स होते हैं उसकी जो बैलेंसेस होती है वो नेक्स्ट ईयर पे फॉरवर्ड की जाती है। दिस बैलेंसेस बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये जो फॉरवर्ड की गई बैलेंसेस होती है वो दूसरे ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होती है, यानी कि सारे ईयर में, सारे अकाउंटिंग पीरियड में हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए उसके बाद जो भी बैलेंसेस बची होती है उन सभी को हम नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करते हैं, उस बैलेंसेस को हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, और उसके रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है उसको ओपनिंग एंट्री कहते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद ओपनिंग एंट्री। किसी भी बिजनेस फॉर्म की नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होती है तो सबसे पहले ओपनिंग एंट्री की जाती है। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड इंडिविजुअली। जो भी सारी एसेट्स होती है वो इंडिविजुअली डेबिट करनी होती है। कैपिटल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड इंडिविजुअली। कैपिटल एंड लायबिलिटीज जो होती है वो इंडिविजुअली क्रेडिट की जाती है। अब देखते हैं उसका एक एग्जांपल। यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी गई है जिसके ऊपर से हम उसके रिलेटेड जर्नल एंट्री, ओपनिंग एंट्री समझेंगे। यहाँ पे जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें यहाँ पे लायबिलिटीज में है सन्ड्री क्रेडिटर्स 56,000, कैपिटल रुपीज 2 लाख, एसेट्स में है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सेंट्री डेप्टर्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड मशीनरी। अब ये जो बैलेंस शीट में हमारी बैलेंसेस है उसको हम फॉरवर्ड करेंगे अगले ईयर के अकाउंटिंग पीरियड में। तो स्टार्टिंग में हम एंट्री कुछ इस तरह से लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सेंट्री डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट एंड कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग द बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड। अब ये समझते हैं सन्ड्री डेप्टर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं। सन्ड्री डेप्टर्स यानी कि कस्टमर्स हु रेयरली मेक परचेज ऑन क्रेडिट। ये वो कस्टमर्स है वो क्रेडिट पे रेयरली परचेज करते हैं और उसकी जो अमाउंट होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। उसी तरह से सन्ड्री क्रेडिटर्स माने के वो पर्सन कि जिसके पास से हम रेयरली क्रेडिट पे परचेज करते हैं, यहाँ पर भी जो अमाउंट होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो ये है हमारी ओपनिंग एंट्री, जिसे हम हर अकाउंटिंग पीरियड के शुरू होते ही अगले साल की जो बैलेंसेस फॉरवर्ड होती है उसके रिलेटेड डालकर अपना अकाउंट्स नए साल का, नए अकाउंटिंग पीरियड का शुरू करते हैं। तो आज के इस पार्ट के साथ जनरल रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसे आपको सॉल्व करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और उसका टॉपिक होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तब तक स्टे ट्यून्ड विद सिविक एकेडमी। थैंक यू।